तो अभी व्यू टेक कमांड देख रहे हैं, व्यू में क्लिक कर दें। व्यू में पहला कमांड नॉर्मल है, इसमें बक्सा बना है, इसका मतलब क्या है, हमारा अभी यही व्यू है, नॉर्मल व्यू है। अगला है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिखा रहा है कि एक पेज में कितना डेटा आएगा। जिसको कर रहा है पेज वन लिखा है कि हमारा पेज वन इतने में आएगा, नीचे आ रहे हैं, लाइनें भी खींची हुई हैं, ये यहाँ लाइन खींची है, ये लाइन, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का पेज टू में आएगा। और अगर आप देखें बाएं साइड तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये कि ये डेटा कहाँ जाएगा, पेज छः में चला जाएगा। यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या दिखा रहा है कि एक कौन सा डेटा किस पेज में आएगा। जनरली पेज का डायरेक्शन हमारा क्या है, नीचे से बाईं ओर जाता है, ऊपर से नीचे आएगा, फिर क्या जाएगा, बाएं जाता है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि जितने हमने टेक्स्ट लिखा है वो कितने पेज का है और कौन सा टेक्स्ट किस पेज में आएगा। ये जो पेज वन पेज टू लिखा है ना, प्रिंटआउट में नहीं आएगा ये। कई लोग मानते हैं पेज वन पेज टू प्रिंटआउट में आ जाए, अगर हम कंट्रोल पी करें यहाँ पे तो प्रिंटआउट में कोई पेज वन पेज टू लिखा हुआ नहीं। हमने पहले ही पढ़ा है कि व्यू टैब के कमांड का फर्क प्रिंटआउट में नहीं पड़ता है। वापस नॉर्मल कर दें, नॉर्मल। अगला पेज लेआउट है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, आपका हेडर फुटर भी दिखाई दे रहा है। यानी पेज ब्रेक में पेज ब्रेक की तरह ही है, यहाँ पेज बाय पेज डेटा बटा हुआ है, कुल 16 पेज हैं बता रहे हैं यहाँ पर ये, लेकिन क्या यहाँ पे हम हेडर फुटर भी ऐड कर सकते हैं। ये हम इंसर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हेडर फुटर इंसर्ट में अगर हम जाएँ तो ऑप्शन हेडर फुटर के यहाँ होता है कि हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हेडर फुटर, लेकिन यहाँ ज़्यादा सरल है। आप यहाँ ने पेज लेआउट किया, आपने यहाँ पर दिख रहा है, आपने यहाँ क्लिक किया, हमने लिख दिया ये दक्ष कैंसी जी, हेडर लिख दिया, ऐसे फुटर लिख दिया। यानी हेडर फुटर लगाने के लिए सरल तरीका है, ये हेडर फुटर प्रिंटआउट में आएगा क्योंकि इसका कमांड अलग से है इंसर्ट में, ये केवल व्यू कर रहे हैं, लेकिन हेडर फुटर जो हम लगा रहे हो प्रिंटआउट में आएगा वो, क्योंकि सेपरेट कमांड इसका इंसर्ट में है। तो पेज लेआउट में क्या फीचर मिल रहा है कि हम पेज में हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं, जो काम इंसर्ट टेक्स्ट भी हो सकता है। इस व्यू में क्या काम सरल हो जाता है, हमारी इच्छा है हम करें ना करें। वापस आना है तो हमने क्या किया, व्यू में गए और क्या कर दिया, अभी देखिए सारे कमांड डिसेबल हैं, क्यों, क्योंकि हम हेडर वाले भाग में हैं। ये हमारा कर्सर कहाँ है, हेडर भाग में है। जैसे नीचे आएंगे सारे कमांड हमारे क्या हो गए, इनेबल हो गए हैं। वापस हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। अगला हमारा कस्टम व्यू है, कस्टम मतलब कि हमने जैसा व्यू चाहते हैं वैसा सेट करना है। मान लीजिए लंबी सीट है, हम उसको चेक कर रहे हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे 9 रिकॉर्ड तक चेक कर चुके हैं, 10 से आगे चेक करना है तो क्या होगा, हम जब भी सीट खोलेंगे तो कहाँ, उस रूम पहुँच गया, कर्सर हमारे यहाँ शुरू में आ जाएगा। हम चाहते हैं कर्सर हमारा कहाँ है, 10 पे आए, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने जैसा व्यू सेट कर दिया है हमारा व्यू क्या होगा, वैसा ही आएगा, किससे आएगा, कस्टम व्यू से। कैसे करेंगे, 10 में क्लिक कर दिया, हम कस्टम व्यू में गए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई व्यू नहीं है, हम नया व्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने कहाँ क्लिक किया, ऐड में क्लिक किया। ऐड में कब क्लिक करते हैं, जब हमें नया व्यू बनाना होता है, तो हमने ऐड में क्लिक किया और इसका नाम दे दिया कुछ भी, ए क्यू नाम दे दिया, हमने ओके कर दिया है। अब देखिए हम सेट में कहीं भी क्लिक कर दिए हैं और हमें सीधे कहाँ जाना है, और नंबर 10 में जाना है जहाँ 10 लिखा है। हम कस्टम व्यू में गए और यहाँ से व्यू दिखा रहा है, हमने शो कर दिया तो हमारा कर्सर कहाँ गया है, सीधे तो नंबर 10 में आ गया है। तो कस्टम व्यू क्या होता है, आपने जैसा व्यू सेट किया है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ये अपना वर्क व्यू, वर्कबुक व्यू के सेक्शन के कमांड थे। अगला सेक्शन हमारा शो सेक्शन है। शो में पहला कमांड रूलर है, अगर आप देखें रूलर डिसेबल हमारा है, रूलर हमारा एक्टिव नहीं है। रूलर जो हमारा है ये एक्टिव होता है केवल पेज लेआउट मोड में। अभी हमारा कौन सा मोड है, नॉर्मल मोड है, इसलिए सक्रिय नहीं है, क्योंकि 15,000 कॉलम के लिए पटरी नहीं बनेगी, पटरी बनती पेज के लिए। जैसे हम पेज लेआउट कर देंगे, यहाँ पर हमने पेज लेआउट में क्लिक किया, क्या देख रहे हैं, स्केल हमारी क्या है, बन गई स्केल। अगर देखें, अब अगर आप देखें रूलर हमारा सक्रिय रूलर,
ये पटरी दिख रही है, अगर मैं क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने क्लिक किया टिक हट जाएगा, तो पटरी हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो गई है। ए बी सी डी लिखा है लेकिन स्केल नहीं है, अगर क्लिक करेंगे टिक लग जाएगा तो हमारी स्केल क्या है, आ जाती है। ये रूलर का ऑप्शन केवल पेज लेआउट मोड में ही होता है, बाकी जो व्यू हैं नॉर्मल, पेज ब्रेक और कस्टम, इनमें रूलर कार्य नहीं करती है, केवल किसमें काम करती है, पेज लेआउट में काम करती है। वापस नॉर्मल में आ जाइए, ग्रिड लाइन में टिक लगा है तो क्या ही, ये जो लाइनें हैं हल्की लाइनें दिखाई दे रही हैं, अगर टिक हटा देंगे तो लाइनें दिखाई नहीं देंगी। देखिए आपकी लाइनें गायब हो गई हैं, लाइनें गायब हो गई इसका मतलब नहीं कि सेल नहीं है, सेल अभी भी है, अगर आप कहीं भी चलाएंगे एरो की वैसे चल रहे, ऐसे लाइनें चाहिए हमारी। अगर हमें क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन में तो क्या हो जाएगा, अगर फिर से क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन में तो हमारी लाइनें क्या आ जाएंगी, और ये लाइनें प्रिंटआउट में नॉर्मली नहीं आती। अगर हम कंट्रोल पी करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई लाइन प्रिंटआउट में नहीं है, ग्रिड लाइन प्रिंटआउट में नहीं आती, ग्रिड लाइन प्रिंटआउट में आप चाहें तो ला सकते हैं, नॉर्मली प्रिंटआउट में ये नहीं आती ग्रिड लाइन। ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार हम इसे बोलते हैं, ये जो पट्टी है जहाँ राम थ्री लिखा है, यहाँ पे क्या है, हम जो भी जिस से हमारा कर्सर होता है वहाँ हम जो भी कार्य कर रहे हैं दिखाई देता है। जैसे हमने सीधी टू में क्लिक कर दिया तो सीधी टू यहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिख रहा है, फार्मूला बार में दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं दिखाई ना दे फार्मूला बार तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बार के बगल में टिक लगाया हमने तो क्या हो गया, फार्मूला बार गायब हो गया है। क्लिक करेंगे टिक तो फार्मूला बार हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जनरली फार्मूला बार हम रखते ही हैं, सो रखते हैं, क्योंकि जो हम फार्मूले लिखते हैं, जो बदलाव करते हैं टेक्स्ट में एडिटिंग, वो फार्मूला बार की सहायता से होते हैं। तो अगर कभी हट जाए तो हम फार्मूला बार में टिक करके उसको वापस ला सकते हैं। अगला कमांड हेडिंग कमांड, हेडिंग मतलब क्या है, ये ए बी सी डी लिखा है, इसको हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग, और जो 1 2 3 इसको रो हेडिंग बोलते हैं। टिक लगा है तो ए बी सी डी और 1 2 3 दिखाई दे रहा है, अगर हम टिक हटा देंगे तो जो ए बी सी डी लिखा ऊपर दिखाई नहीं देगा। जो देखिए हमने टिक हटाया यहाँ पे ना, तो क्या हो गया है, ए बी सी डी में नहीं है और ना ही 1 2 3 है, मतलब ना रो हेडिंग ना कॉलम हेडिंग। ये हेडिंग प्रिंटआउट में नहीं आती है, पहले में नहीं आती प्रिंटआउट में, लाना है वापस फिर से हेडिंग क्लिक कर दीजिए, ए बी सी डी आपका आ गया है। आगे देखें आपका जूम सेक्शन है, यहाँ जूम कमांड है। जूम से क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, साइज को बड़ा दिखा सकते हैं, बड़ी होगी नहीं बड़ी दिखेगी, हमने 200 कर दिया, साइज हमारी का डबल हो जाएगी, ये बड़ी दिख रही है, बड़ी हुई नहीं है, वापस मूल रूप में लाना है तो बगल हमारा क्या है, 100 है। अगला कमांड है जूम टू सिलेक्शन कमांड। मान लीजिए हमने अपनी सीट कुछ भाग सेलेक्ट किया है, इतना भाग हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम चाहते हैं ये जो भाग है ये पूरी विंडो में दिखाई दे, जितनी चौड़ाई है वही दिखाई दे, कहाँ से कहाँ तक, क्रमांक से लेके बैंक 4 तक और कहाँ, रो नंबर 8 तक। जूम टू सिलेक्शन हम कर देंगे तो क्या हो गया है, आपका यही दिखाई दे रहा है पूरे में, बैंक 4 और 8 तक, अब ज़्यादा नहीं जाएगा चूँकि जूम करेंगे इधर आपका फैल जाएगा, यहाँ तक चुके आ चुका है आपका ये, यानी एक तरफ क्या हो जाएगा, फुल हाइट है, विड्थ आपका ले लेगा, पूरी यूज कर लेगा। तो जूम टू सिलेक्शन मतलब क्या है, जितना भाग सेलेक्ट है उसको क्या करेगा, पूरे पेज में शो कर देगा। ये हमारा जूम सेक्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या किसी सेलेक्टेड भाग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग विंडो सेक्शन देख रहे हैं, विंडो सेक्शन में पहला कमांड न्यू विंडो है, देखिए बुक 1 है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, फाइल में जाके सेव करने में सभी लोग आता है, ब्राउज करके आप लोकेशन चुन सकते हैं ना, सेम लोकेशन रहेंगे, सेव कर दिया हमने बुक 1 नाम से इसको। देखिए यहाँ पे न्यू विंडो करेंगे तो बुक 1 के बाद कुछ नहीं लिखा है, न्यू विंडो जैसे ही करेंगे तो मतलब क्या होगा, इसी फाइल की 2 विंडो खुल जाएगी। इसे मैं न्यू विंडो मैंने किया तो आप देखेंगे कि बुक 1 के बाद कॉलन करके 2 लिख गया, इसका मतलब क्या है, इसकी 2 विंडो है। अगर नीचे आप जाएंगे टास्क बार में 2 विंडो दिख रही है, डाटा सेम है बस क्या, सेम सी फाइल की 2 विंडो हो गई हैं।
और विंडो खोल सकते हैं आप, जैसे मैं फिर से न्यू विंडो करूंगा देखिए 3 हो गया, मतलब इस फाइल की 3 विंडो हो गई हैं। तो मल्टीपल विंडो खोल सकते हैं आप एक फाइल की, अगर आपको मल्टीपल विंडो चाहिए। अरेंज ऑल से क्या आप विंडो को क्रम से जमा सकते हैं, किस तरह जमाना है, टाइल्ड करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल हम कर रहे हैं तो क्या हो गया है, इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल में किया तो मैक्सिमाइज के लिए मैंने, और देखिए इसको हम जमा सकते हैं। अगर वर्टिकल कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका, वर्टिकल टाइप जमा हुई है इस तरह से, ये वापस मैक्सिमाइज के लिए से हमने। क्या कई तरीके जमाने के हैं आपके, कैस्केड किया तो एक के ऊपर एक आता है हमारा, ऐसा कैस्केडिंग में है, आप यहाँ से कोई विंडो जा सकते हैं कि कैस्केडेड भी हमारा है और हमारा टाइल्ड है। जितने हमारे व्यूज हैं मैक्सिमाइज कर देते समय, स्प्लिट करना है जैसे इसको देखें, इतनी विंडो दिख रही है आपको, स्प्लिट करना है तो ये देखिए स्प्लिट हो गई विंडो हमारी, ये सेम विंडो है स्प्लिट हो गई है, इसमें नई विंडो नहीं बनी है। हाइड करना है तो आप इससे हाइड कर सकते हैं। तो इतने सब मल्टीपल विंडो अनहाइड भी कर सकते हैं, हमने हाइड किया है तो बुक 1.2 को हमने हाइड किया था, इसको हमने अनहाइड कर लिया है। ओके ये अनहाइड हमारी हो चुकी है। तो आप किसी विंडो को हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब एक ही विंडो कई भागों में बढ़ जाएगी, न्यू विंडो से नई विंडो बनेगी आपके। व्यू साइड बाई साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी विंडो क्या हो जाएगी, साइड बाई साइड आएगी, इस तरह से आएगी विंडो एक साइड पे करके। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होगा, एक साथ स्क्रॉलिंग होगी। देखिए मैं अगर कहीं ऊपर नीचे करूँ भी एक अलग अलग स्क्रॉलिंग, ये हो रही नीचे वाला नहीं आ रहा है। अगर हमने सिंक्रोनस हमने कर दिया है यहाँ पर, और अगर कर रहे हैं तो हमारे साथ दोनों चलेगा। देख रहे हैं सिंक्रोनस किया है तो एक साथ दोनों चल रही है आपका, यहाँ 3 यहाँ भी 3 आ गया है, और आगे करेंगे हम यहाँ 5 आ गया है। तो सिंक्रोनस मतलब एक साथ दोनों चलेंगे हमारे, ये हम हटा सकते हैं सिंक्रोनस को, हमने इसको फुल कर दिया है और सिंक्रोनस को हटा दिया हमने। ये आपके साइड बाई साइड में ही काम करेगा, हमने साइड बाई साइड हटा दिया तो आपका सारे कमांड डिसेबल हो गए हैं। आप कई मल्टीपल विंडो को बंद कर सकते हैं, हमने विंडो बंद की तो आपके बाकी फाइल के जो विंडो है वो बंद नहीं होंगे। तो सिंक्रोनस आपका कब काम करता है, जब व्यू साइड बाई साइड ऑप्शन में ही काम करता है, बाकी आपका काम नहीं करता है। फ्रिज पेन का मतलब क्या, ऊपर की आप रो कॉलम को फ्रिज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रिज। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे नीचे आते हैं तो आपका ये ऊपर की रो दिखाई नहीं देती है, तो आप फ्रिज पेन में जाके आप फ्रिज टॉप रो कर देंगे तो क्या होगा, कितने नीचे हैं आपकी टॉप रो हटेगी नहीं। टॉप रो मतलब फर्स्ट रो को फ्रिज करती है, ऐसे फर्स्ट कॉलम क्या करेगा, पहले कॉलम को फ्रिज करेगा। तो ये कई बार हमें काम नहीं आता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एक नई रो इंसर्ट कर दी, होम टाइम में हम गए और यहाँ से एक रो इंसर्ट कर दिया, हम जा रहे हैं व्यू में फ्रिज पेन में और फ्रिज टॉप रो कर दिया हमने, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि फर्स्ट रो में कुछ लिखा ही नहीं है जो हमारा फ्रिज हो रहा है। तो कई बार होता है कि डेटा आपका फर्स्ट रो में नहीं होता जिसे फ्रिज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। सेल आप वो चुनेंगे जिसके ऊपर के आप सभी रो और बाएं साइड कॉलम फ्रिज करना चाहते हैं, जैसे मैंने राम वन में क्लिक किया। इसका मतलब क्या है, ये आपका सेल B3 है, मतलब आपका जितने B3 के ऊपर कॉलम है, रो है, सॉरी कौन से रो है, 1 और 2, जितने कॉलम है, कॉलम कौन से हैं आपके, कॉलम ए है ना, ये सारे हमारे फ्रिज हो जाएंगे, जितने भी ऊपर के रो बाएं साइड कॉलम फ्रिज हो जाएंगे। अब मैं क्या फ्रिज पेन में किया, मैंने पहले अनफ्रिज कर लिया हमने और कर रहे हैं फ्रिज कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, देखिए आपका ये फ्रिज है जो आप चाह रहे हैं, और अगर आप बाएं भी जा रहे हैं तो आपका सीरियल नंबर फ्रिज है। तो ये फ्रिज पेन कमांड आपका हो गया है। स्विच विंडो, जितनी विंडो खोली है अपन के भी स्विच कर सकते हैं, अभी हमने एक ही फाइल की दो विंडो खोली है, अभी 1.1 में है, 1.2 में आ सकते हैं हम, ये यहाँ से हम स्विच करके। तो स्विचिंग के लिए हो गया, मल्टीपल विंडो खोली है, जरूरी नहीं कि आपकी सेम फाइल की विंडो है, आपने अगर अलग अलग फाइल खोली तो आप तब भी स्विच कर सकते हैं। जैसे बुकॉन खुला है, मैं कोई फाइल और ले लेता हूँ, मैंने ओपन किया और एक फाइल मार्क्स डिटेल फाइल ले ली है, ये पासवर्ड लॉक है, इसमें पासवर्ड लगाया है, दूसरी फाइल ले लेता हूँ। अब यहाँ देखें, अगर हम व्यू में गए हैं और स्विच विंडो में गए हैं तो आपकी ये फाइल दिखाई, बुक ऑन फाइल दिखाई दे रही है, आप यहाँ स्विच कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपने फाइलें खोली हैं, चाहे सेम फाइल की मल्टीपल विंडो हो, चाहे आपके एक ही अलग अलग फाइल्स हों, यहाँ स्विच कर सकते हैं। और मैक्रो का मतलब क्या है कि अगर आप ग्रुप ऑफ कमांड को क्या करना चाहते हैं, आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ मैक्रो से कर सकते हैं। मैक्रो का सेपरेट वीडियो बना है जिसमें रिजल्ट सेट को दिखाया है, कैसे मैक्रो तैयार करते हैं, आप उसे देख सकते हैं।
तो मैक्रो मतलब क्या, ग्रुप ऑफ कमांड को रिकॉर्ड कर लेना एक नाम के अंदर, जिससे हम क्या उस काम को दोबारा रिकॉर्ड कर सकें। ये आपके सारे कमांड ब्यूटअप के हो गए हैं।